नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। थेहड़ पर फिर से चली हाई कोर्ट की चाबुक। नेताओं ने भी थेहड़ पर और उसके मुद्दे पर खूब राजनीति की। प्रशासन और शासन नहीं ढूंढ पाया कोई विकल्प, बस प्यास लगने पर खोदा था कुआं। जी हां, सिरसा में मामला अदालत में विचाराधीन होने के बावजूद थेहड़ को लेकर के पिछले 5 सालों से राजनीतिक दलों ने जमकर राजनीति की। इतना ही नहीं, थेहड़ वासियों को ऐसे बताया गया जैसे अदालतें उनके हिसारे पर चलती है, यानी पिछले कई बार। हालांकि पिछली बार हाई कोर्ट ने सख्ती पर प्रशासन ने थेहड़ पर और थेहड़ के ऊपरी भाग की 31.5 एकड़ जमीन खाली करवाई, जहां वहां से 753 कुल परिवारों को शिफ्ट कर दिया गया। इनको हिसार रोड स्थित आवासीय कॉलोनी के फ्लैट दिए गए। इन फ्लैटों को लेकर के विस्थापित परिवार आज भी परेशान हैं। शेष थेहड़वासी ये मानकर बैठ गए कि अब उनका कुछ नहीं होने वाला, यानी उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। परंतु हाई कोर्ट ने सख्त तिलक रुख अपनाते हुए कोई नरमी नहीं दिखाई और प्रशासन को 15 दिन के अंदर थेहड़ खाली करवाने का आदेश दे डाला। कोर्ट के इस आदेश से एक बार फिर से शासन प्रशासन और थेहड़वासियों की नींद उड़ चुकी है। अब प्रशासन को कोर्ट का आदेश तो मानना ही होगा और थेहड़वासियों को थेहड़ छोड़ना भी पड़ेगा। जब उनसे बात की जाती है थेहड़वासियों से, तो वो एक ही बात कहते हैं कि चुनाव को लेकर के उन्हें गुमराह किया गया। यहाँ तक कहा गया कि उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार उनके मामले में कोर्ट में ईमानदारी से पैरवी नहीं कर पाई। कोर्ट के आदेश में अब 2500 परिवारों को खाली करना पड़ेगा वो पूरा थेहड़। लेकिन सरकार को थेहड़ खाली कराने से पहले उनके लिए कोई ना कोई विकल्प तलाशना होगा, क्योंकि हजारों परिवार आखिर जाएंगे कहाँ। आपको बता दें कि थेहड़ को खाली करवाने के मामले में मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर हाई कोर्ट के आदेश ने थेहड़ वासियों को बड़ा झटका दे दिया। हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन को पूरा थेहड़ खाली करवाने के आदेश जारी कर दिए हैं। हाई कोर्ट ने पूरे 85 एकड़ भूमि खाली करवाने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने पूछा है कि कितने समय में थेहड़ खाली हो जाएगा। इस पर अब जिला प्रशासन अगले 15 दिन में रिपोर्ट बनाकर सौंपेगा और बताएगा कि इतनी अवधि में थेहड़ खाली करवा दिया जाएगा। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद थेहड़वासियों के साथ जिला प्रशासन भी सख्ते में आ गया। प्रशासन ने अब थेहड़ को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। गौरतलब हो कि थेहड़वासियों की तरफ से 2 याचिका हाई कोर्ट में लगाई गई थी, जिसमें संदीप फोटेला के नाम से लगाई गई याचिका कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दी थी। वहीं अब गुरमुख लाल के नाम से लगाई गई याचिका को भी नकारते हुए थेहड़ खाली करवाने के आदेश दिए हैं। इस याचिका में थेहड़ की भूमि के साथ निचले लगते क्षेत्र वार्ड नंबर 21, 22, 23, 24, खसरा नंबर 611 और 612 को धक्के से इसके साथ अटैच कर दिया गया था, जिसमें ये कहा गया है कि यह क्षेत्र थेहड़ की भूमि से अलग बनाया गया है। उसे अनदेखा करते हुए हाई कोर्ट ने पूरा थेहड़ खाली करवाने के आदेश जारी कर दिए। कुल 85 एकड़ भूमि में से 31.5 एकड़ खाली करवाते हुए 753 परिवारों को शिफ्ट किया गया था। शेष भूमि पर अभी भी 2500 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। उस दौरान पुरातत्व विभाग के निदेशक प्रदीप कुमार के प्रयास से थेहड़ की भूमि खाली हो पाई, पर इस बार पुलिस प्रशासन को पूरी चौकसी बरतनी होगी। उधर थेहड़वासियों की ओर से बनाई गई अपना घर को बचाव समिति के सदस्य दीपक फोटेला, गुरमुख कम्बोज, राजकरण और सुभाष मेहरा ने बताया कि हाईकोर्ट से राहत की उम्मीद थी, मगर हाईकोर्ट ने थेहड़ खाली करवाने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे थेहड़ के लिए एक बड़ा झटका है, मगर फिर भी वे मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए अन्य विकल्प पर विचार कर लेंगे। उन्होंने बताया कि सभी सदस्य मिल करके सुप्रीम कोर्ट में ये केस ले जाने की कानूनी राय लेते हुए मंथन करेंगे। प्रशासन की लापरवाही की वजह से उनके आवास आज खतरे में हैं। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। दूसरी ओर जिला प्रशासन ने थेहड़ की कुल 85 एकड़ भूमि में से 31 एकड़ 5 कनाल भूमि पर का कब्जा पुरातत्व विभाग को सौंप रखा है, जबकि थेहड़ पर तारबंदी करके भूमि को सुरक्षित किया गया है। वहीं विभाग की ओर से खुदाई भी की गई है, मगर यहां से अभी तक मिला कुछ भी नहीं। थेहड़ वासियों का कहना है कि यहां पर जो रहते हुए उन्हें कई वर्ष बीत चुके हैं,
इससे पहले कुछ लोगों ने अपने स्तर पर यहाँ बहुत कुछ खोद कर देखा, जबकि वहाँ पर मरे हुए जानवरों की हड्डियाँ, राख और टीकरी के अलावा कुछ नहीं निकला। उन्होंने कहा कि थेहड़ को चाहे पूरा प्रशासन खोद ले, लेकिन कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर थेहड़ वासियों को विस्थापित किया जाता है तो ये सरकार और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। अब केवल एक ही विकल्प बचता है कि आसपास के गांव में खाली पड़ी पंचायती भूमि पर उन्हें 100-100 गज के प्लाट काट कर निःशुल्क दें। पर 2,500 परिवारों को एक साथ विस्थापित करना बहुत बड़ी चुनौती है। अब ये मामला पूरी तरह से हरियाणा सरकार और हाईकोर्ट के बीच रह चुका है। हालांकि थेहड़वासी इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि थेहड़वासियों की याचिकाएं पहले ही खारिज हो चुकी हैं। हाईकोर्ट ने सरकार को थेहड़ खाली कराने का जब आदेश दिया तो सरकार ने इसके लिए 15 दिन का समय मांगा। कोर्ट ने थेहड़ खाली कराने के लिए एक दिन का समय दिया है। अब इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं होगी। हालांकि कोर्ट तो 15 दिन बाद पूछेगा थेहड़ खाली हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ तो हरियाणा सरकार को कोर्ट की अवमानना का सामना करना होगा। कोर्ट अब नरमी बरतने के मूड में नहीं दिख रहा। कोर्ट चाहता है कि थेहड़ की शेष भूमि और जमीन खाली करवा कर प्रशासन पुरातत्व विभाग को सौंप दे। अब देखना ये होगा कि प्रशासन और शासन थेहड़ वासियों को कहां तक विस्थापित करता है, और क्योंकि कोर्ट का आदेश जो है तो भूमि खाली करवानी ही पड़ेगी। अब देख रहे हैं पल-पल की ये विशेष रिपोर्ट। मेरा नाम नवनीत है जी, मैं यहीं पे वार्ड नंबर 24 का वासी हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे 30 साल पुराना ट्यूबवेल है जी। तो 30 साल से ये व्यवस्था हमारे लिए पानी की सरकार ने की हुई है। तो अभी 1.5-2 महीने पहले कम से कम ये 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके सरकार ने इसको, जिसका पानी थोड़ा ख़राब हो गया था, तो नया प्रोजेक्ट हमारे को लगा के दिया है। तो 2-2 ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा के दिए हुए हैं जी। तो सड़कों की पूरी व्यवस्था है, हाउस टैक्स हम भरते हैं जी, सीवरेज की पूरी व्यवस्था है। तो जितने भी यहाँ पे लोग हैं, कोई 30 साल से, कोई 35 साल से, कोई 70 साल से रह रहा है, तो अपनी पूरी ज़िंदगी की पूंजी लगा के एक एक तिनका हमने इकट्ठा करके यहाँ पे मकान बनाए हैं। तो पहले हमें आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा कि आप यहाँ पे अवैध बैठे हैं या कुछ बैठे हैं। वार्ड नंबर हमारे दिए हुए हैं जी, हाउस टैक्स हम भरते हैं, तो MC हमारा यहाँ का बनता है। ये सारा सिस्टम सरकार का ही बनाया हुआ है जी, वार्ड हमने नहीं बनाए, सरकार ने बनाए हुए हैं। आज एकदम हमें आके कहते हैं कि आप यहाँ पे इस जगह के वासी नहीं हो, ये पूरा तत्व विभाग की जगह है, तो आप इसको खाली करके चले जाओ। इसके बदले हमें कुछ नहीं दिया जाता, सिर्फ हमें आके धमकाया ही जा रहा है कि हाँ ये जगह आप खाली करो, आप यहाँ से चले जाओ। तो हम सर, हमारी इतनी पुश्तें यहाँ पे रह चुकी हैं, 70-70 साल से लोग रह रहे हैं, हमारे दादा, हमारे बाप, हम, हमारे शादी यहाँ पे हुई है, हमारे 10-10 साल के बच्चे हो रहे हैं, तो हम कहाँ पे जाएं बताइए। हमें हमारे कोई हमारी से सुनने वाला नहीं है, कोई पॉलिटिकल आदमी यहाँ पे नहीं आता, आता है तो अपनी पॉलिटिक्स करके चला जाता है, हमारी सुनवाई कहीं पे नहीं है जी। तो हमारी तो यही कोर्ट से और रिक्वेस्ट है भी, हमें कृपा करके बचाया जाए, और हमारी ज़िंदगी का सवाल है, नहीं तो यहाँ पे हम तो सिर्फ, हमारे पास उसके बाद एक ही रास्ता है कि हम अपनी मौत को गले लगा लें। हमारे पास ऐसी कोई औकात नहीं है जी कि इसके बाद हम अपने मकान बना सकें। रोड से हमारे पास इस केस से रिलेटेड जो हमने केस हाईकोर्ट में लगाया था, उससे रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे एविडेंस हैं, बट ये कुछ तो हमारे लोगों की तरफ से RTIs वगैरह लगाई गई थी, जिसके रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हैं। देखिए, इस ये RTI के एक जवाब हमारे पास जो आया था, जो हमने 4 स्कूल हैं उसकी RTI लगाई थी, सबसे पुराने पुराने जो स्कूल हैं, वो सबसे पुराना महावीर दल विद्यालय है, जो कि 1955 में यहाँ बना हुआ है, और उसके बाद 1956 में ये 4 नंबर स्कूल बना हुआ है। इस तरह और भी बहुत सारी जानकारी जो RTIs के थ्रू हमारे पास हैं, पर बात ये है कि जो हमने केस हाईकोर्ट में लगाया हुआ है, इसके जो हैं वो प्रशासन इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। हमारी प्रशासन ये नहीं मानता भी ये जो लोगों को पहले बसाया जाए, वो चीज़ नहीं देखता। प्रशासन अपनी धक्केशाही कर रहे थे हमारे साथ। अगर प्रशासन हमारा साथ दे, हमारी बात को सुने, तो एविडेंस हमारे पास बहुत है। वो 437 मकानों का था, जो कि उधर ऊपर पेड़ के ऊपर बसे हुए लोग थे, उनका जो ऑर्डर था 437 मकानों को बसाने का ऑर्डर था, पहले इनको बसाओ और फिर उजाड़ो, ये जज साहब ने, माननीय जज साहब ने कहा था ऑर्डर में।
और अब जो कि प्रशासन अपनी मतलब गलती से ये सब नीचे वाले मकानों को ले रखे हैं, ये लगभग 10,000 मकानों को इन्होंने प्रशासन की गलती ने मतलब ये बीच में ले लिए हैं, जो कि सरासर नजायज़ है, जिसमें बहुत सारे रजिस्ट्रियों के मकान हैं, बहुत सारी जगह जो नजूलैंड की है, नजूलैंड के भी पेपर्स हमारे पास हैं, जबकि डीसी साहब हमें खुद ये लेटर्स दे दे के ये देखिए ये कह रहे हैं कि आप नजूल में हो, ठीक है जी, टैक्स भी भरते हैं नजूल के बाद, इनकी मीटिंग के मिनट्स भी हमारे सब अवेलेबल है, सब कुछ है नजूलैंड का, हमारे पास डॉक्यूमेंट है, पर कभी तो ये हमें मतलब 4 बार तो इन्होंने हमें ये लिखा है कि आप नजूल में हो, आप अपनी रजिस्ट्री करो, आज तक तो हमें ये कहते रहे हैं। ये डिसीजन 2012 और 2009 में होने के बाद हम लोगों को जो नीचे वालों को घसीटा गया है, इस केस में 2016 में घसीटा गया है, जो कि बिल्कुल नजायज है, बिल्कुल सरासर हमें गलत घसीटा गया है। आज तक अगर प्रशासन अपनी अब अपनी जिम्मेवारी से मुकर रहा है, आज तक अगर ये रजिस्ट्रियों की बात करें, ये जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं तो किसी अधिकारी ने तो की होंगी, कोई हाउस टैक्स लिया होगा, कोई पानी के बिल लिए होंगे, सीवरेज की बिल लिए होंगे, तो वो अधिकारी सरासर जिम्मेवार हैं, तो प्रशासन उन अधिकारियों पे कार्रवाई करने की बजाय हम लोगों को बीच में नजायज़ घसीट रहा है, बिल्कुल ही सरासर गलत है, और सरासर ही हमारे साथ नजायज़ हो रही, धक्केशाही हो रही है। अभी भी हम 28 तारीख को एक शांति मार्च लेके माननीय डीसी साहब के पास गए थे, वहाँ भी हमें यही धक्केशाही सुनने को मिली है, वहाँ भी इन्होंने यही कहा है कि हम तो तोड़ देंगे जी, हमें हाईकोर्ट का ऑर्डर है, तो हाईकोर्ट का ऑर्डर तो बसाने का है ना कि तोड़ने का पहले, ठीक है जी, और हमें फोर्स के नाम पे डराया जा रहा है, बार बार फोर्स के नाम पे हमें धमकाया जा रहा है कि फोर्स लगा देंगे हम, ये ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे, जबकि ये हमारे साथ बिल्कुल हमारे ह्यूमन राइट्स का बिल्कुल वायलेशन है, हमारे जो मानवाधिकार है उसका बिल्कुल हनन हो रहा है यहाँ, और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हमें सुनने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल। और हमारे ये मकान शुरू से ही हम यहाँ रह रहे हैं, हमारा जन्म भी यहीं का है, मेरे पूरे परिवार जो मेरे से बड़े हैं 8 बहन भाई उनका भी यहीं का जन्म है, लगभग 80 और 90 साल के बीच में हम यहाँ रह रहे हैं, और कोई ऐसा सिस्टम नहीं था पुरातत्व विभाग का, कोई सिस्टम नहीं था, ये अब जाके पता नहीं कैसे लिया है। इस बाबत में हम डीसी साहब के पास गए 28 तारीख को, सारे इस एरिया के लोग लगभग 5-7 हज़ार की तादाद में, हम महिलाएँ भी, बच्चे भी, बुजुर्ग भी, बड़े भाई भी, सभी साथी जो है युवा साथी भी डीसी साहब के ये गुहार लगाने के लिए गए कि हमें इस दायरे से बाहर निकाला जाए, जो कि हम थे नहीं और अब इन्होंने बीच में लिया है, इस दायरे से बाहर निकालें और हमारे मकानों को उजड़ने से बचाए, हमारे बच्चों का भविष्य बचाया जाए। लेकिन डीसी साहब ने बजाए कोई हमारे फेवर की बात करने की, उन्होंने उल्टा हमें डराया धमकाने वाली बात करके, और ऐसा उदाहरण पेश कर रहे थे कि हम यहाँ से खुद खाली कर जाएं, कई जगह की उन्होंने गिनती दिखाई, वो फॉर एग्जांपल के तौर पर हिमाचल की या कई और घटना बताई भी, वहाँ थोड़ी ऐसी हुई तो फिर मिलिट्री आ गए थे, मिलिट्री का काम होता है सूट एंड साइट, तो वो सिस्टम यहाँ पैदा हो जाएगा, शरारत करे तो यहाँ मिलिट्री को बुला लेंगे, गोलियाँ मारेंगे, सीधा उन्होंने ये करना है, तो डीसी साहब ने हमारी कोई बात नहीं सुनी, उन्होंने बजाय मतलब हमारे कोई शांत बनाए, हमारे बचाव की बात करने के, मैं डराया धमकाया ताकि ये लोग जो हैं मकान खाली कर जाए और ये जब मकान तोड़ दिए जाएं। हमारी गली सारी रजिस्ट्री की है तो हमें कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं है, वैसे आगे धमका जाते हैं, किस बात से धमकाते हैं, जब हमने रजिस्ट्रियाँ करवा रखी हैं फिर किस बात का, वो कहते हैं डाएंगे, हम कोई मकान नहीं डाने देंगे, बस और पूरी आबादी जो है कोई रजिस्ट्री होगी नहीं, वो नजूल लैंड है, और ये जगह है जो हमारे पीछे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, मकान बने हुए हैं, भवन बने हुए हैं, उनमें सारी फैसिलिटी है, सरकार ने यहाँ सभी प्रकार की सहूलतें दे रखी हैं जो आम नागरिक को देते हैं, और सड़कें, नालियाँ, सीवर, पानी, बिजली सब यहाँ दिया हुआ है, स्कूल, सरकारी स्कूल बने हुए हैं, अस्पताल बने हुए हैं, गुरुद्वारे मंदिर बने हुए हैं, और ये पता नहीं है कि ये जो पुरातन वो आ गए कोई जानवर है या सप है क्या है, कहीं से नक्शे में कहीं से किसी तरफ अंदर पड़ा हुआ है, किसी तरफ बाहर पड़ा हुआ है, ये प्रशासन ने अपनी मर्जी से गलत नक्शे बना के हम लोगों को जाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम यहाँ से बिल्कुल नहीं उखड़ेंगे, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारा सारा थेड़ वाले वासी इस बात पर सहमत हैं कि हम सामूहिक आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन मकान नहीं छोड़ेंगे। जय मैंने आज कम से 70 साल हो गए रविंदर, और कम से कम भी मैंने केस लगाया है, अब वगैरह ने हम केस भी देते थे क्या, पुराना केस लगाए हो लोगों के लिए, हमने नहीं बोला कभी जेल वोट पड़े नहीं बोला कभी केस लगाओ, मैं मेरी रजिस्ट्री माने केस लगाए हो
सारा नहीं बोले कभी केस तेरा सही है बिल्डिंग सी सही है भी माने केस लगाइए सो के सारा भी बोले भी केस लगाओ हम केस लगाओ केस लगाओ। आपकी उम्र कितनी साल होगी माता जी? मेरी होगी 70 साल। ठीक है, 70 साल से आप यही हो? हाँ जी यही। यहाँ की आप बहू है या बेटी है यहाँ की? मैं गाँव तो मेरे बाहर बहू है। हाँ तो आपके साथ ससुर पहले? हाँ, मेरा नाम सुनीता है, मैं यहाँ 40 साल से रह रही हूँ। मेरे पास रजिस्ट्री भी है, मेरे मकान की इंतकाल भी है मेरे पास, और जो हमारे सरकार है हमें सारी सुविधा भी दे रखी है, हमें सीवर भी दे रखे हैं, बिजली कनेक्शन भी दे, सब कुछ दे रखा है। उसके अलावा हमें हर 6 महीने बाद वो हमें तंग करते हैं, और हमने केस भी किया था, हमारे पास स्टे ऑर्डर भी है, 2 साल से हमने स्टे ऑर्डर ले रखा है, और 6 महीने बाद हमें आके तंग करते हैं। अब पिछले दिनों कुछ हो गए 10-12 दिन हमारे पास फिर से आते हैं हमारे नंबर लगाने के लिए, तो हमने उन्हें मना किया तो ऊपर से हमारे ऊपर केस अलग से कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएँ अपने बच्चों, मेरी ज्वाइंट फैमिली है, मेरी 3 बहुएँ हैं, 3 बेटे हैं, अलग अलग हैं, मैं कहाँ जाऊँ अपने बच्चों को लेके? हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारा कोई तो सुनने वाला हो, वोट लेने के लिए सब सरकारें आ जाती हैं, लेकिन इस वक्त हम किसके पास जाके रोए ये तो बताओ, हम किसके पास जाके रोए? आपके मकान की रजिस्ट्री है? दोनों की रजिस्ट्री है मेरे, आप रजिस्ट्री? हाँ जी, मेरे पास ये इंतकाल है, ये रजिस्ट्री है, ये रजिस्ट्री है, और ये मेरे पास इंतकाल है, और ये मेरे को वो स्टे जो मिला हुआ है ये स्टे है मेरे पास। जीते हम केस जीत चुके हैं। तो इसके बारे में जब प्रशासन से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम कुछ नहीं जानते, अब मैं आपको सच्ची बात बताऊं, पहली बात तो पूरा तत्व विभाग वालों को यही नहीं पता अभी कहां से तोड़ना है, हमें यही अब तक वो नहीं बता रहे भी हमने तोड़ना कहां से है, हमें यही पता चल जाए ना अभी कहां से तोड़ना है, किधर से उन्होंने तोड़ना है। कभी तो कहते हैं 22 में से उठाएंगे, कभी कहते हैं 23 में उठाएंगे, कभी कहते हैं 24 में, हमें ये तो बताएं भी कौन सा एरिया उनका जो वो तोड़ना चाहते हैं, कौन सा एरिया है, हमें वो कम से कम उस एरिया का तो पता चले। ये जो रजिस्ट्रियां हुई है और जो राशन कार्ड वगैरह भी बने हुए बता रहे हैं, आधार कार्ड भी यही के हैं, सब कुछ है, एड्रेस वगैरह, तो ये कैसे बनाए, ये किसने बनाए हैं इसके बारे में? सरकार ने बनाए हैं, ये सरकार ही, हमारे पास तो सरकार के लोग ही आए हैं घरों में आके, उन्होंने बनाए हमने बनवाए हैं, 40 साल से हम रह रहे हैं, 40 साल से। अभी हम लोग यहाँ पर जब निकल रहे थे तो हमने देखा मकानों के, सभी मकानों के ऊपर नंबर लगे हुए हैं। हाँ जी, तो ये भी प्रशासन ने लगाए थे? हाँ, ये भी प्रशासन ने लगाए हैं, प्रशासन जबरदस्ती कर रहा है हमारे साथ आके। जब हम रोकते हैं, मान लो आप मेरे घर पे आए तो मैंने मना किया है तो ऊपर से हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया चौकी में, हमारे खिलाफ FIR लिखा दी जाके, इन्होंने हमें ऐसा किया ऐसे किया, करने वाले और थे बहुत से, 2000 आदम था उस दिन, कम से कम 2000 लोग थे, पता नहीं कौन थे कौन नहीं, हमारे ऊपर लगा दिया कि इस गली वालों ने, सब गली वालों ने हमारे अफसरों को टॉर्चर किया है, ऐसे हमारे अफसरों को मारा है कूटा है, तो जब ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, वो सही सलामत हमारे यहाँ से गए, कोई किसी ने थप्पड़ मुक्की तक किसी ने कुछ उनको गलत शलत नहीं बोला, लेकिन इस वक्त हमें इतना परेशान किया जा रहा है, मेरे ये देखो छोटा सा बच्चा है, अब इन बच्चों को लेके हम कहाँ जाएं, छोटे छोटे बच्चे कहाँ की सारा, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को लेके हम कहाँ जाएं, हमें ये तो मेरी ज्वाइंट फैमिली है, अब मैं ज्वाइंट फैमिली को लेके कहाँ बैठूँ, सड़क पे बैठूँ, इससे अच्छा तो हमें मौत दे दे फिर, इससे अच्छा तो हम मरने के लिए तैयार हैं, फिर हमें इतने 50,000 आदम लोग हैं, 50,000 कम नहीं होते, 50,000 लोगों को परेशान कर रखा है, पहले कहाँ थे ये, हमें क्यों सुविधा दी, हमें ये बिजली का बिजली बिल क्यों लगा के दिया, हमें बोटे क्यों लेने आते हैं हमारे पास, बोटे क्यों लेने आते हैं फिर, हम नजायज है तो हमारे पास बोटे लेने क्यों आते हैं, हाउस टैक्स हमें दे रखे हैं, बिजली का बिल दे रखा है, सीवर कनेक्शन दे रखा है, हर एक चीज दे रखी है हमें, क्यों दिए हमें।